आप सभी ने कभी न कभी रामकंद मूल तो देखा ही होगा। ये अधिकतर मेलों और मंदिरों के आसपास बिकता है। इसे राम के नाम के साथ जोड़ के बेचा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि राम जब वनवास गए थे तब यही कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। पर यह मनगढ़ंत कहानी है और बड़े बड़े यूट्यूबर भी इनका वीडियो शूट करके और काफ़ी सारे भ्रम फैला रहे हैं। पर मैं आपको बता दूँ, ये आपको थोड़ा थोड़ा काट के देंगे, पर मैं बता दूं इसे खाने से आपको पॉइजनस हो सकता है, आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जहर होता है। अगर आप इसको आधा से एक किलो खा लेते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा काट के पानी में डुबो के उस पर नींबू लगाकर आपको देते हैं, और इनका ये बिक भी जाता है और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर आप इनसे पूछेंगे कि ये कंदमूल कहाँ से लाते हैं, पर ये आपको बताएंगे नहीं ये कहाँ से लाते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से लाते हैं और इसे कैसे तैयार करते हैं। ये एक प्रकार का रामबास का पौधा है, जिसे अगेव प्लांट भी कहा जाता है। ये आपको छोटे मोटे मिल जाएंगे, जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अपना आकार ले लेते हैं, तो यही आपको छील छील के खिलाया जाता है। इसमें काफ़ी पॉइजन होता है। अगर आप एक से डेढ़ किलो तक इसका सेवन कर लेते हैं तो आपको कई सारे हेल्थ इशू हो जाएंगे और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये इसी को काट काट के आपको खिला रहे हैं और ये बोलते हैं ये आपके पेट को ठंडा रखता है, आपको मस्तिष्क को ठंडा रखता है, तो आप इसको खाना अवॉइड करें और सचेत रहें।